किसने सोचा था चौल में रहने वाला यह इंसान 10 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता था। जी हाँ दोस्तों, हम हसमुख ठाकुर दास पारेख जी के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी स्टोरी बहुत से भारतीय लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मुंबई में रहकर पार्ट टाइम जॉब करके इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक में कंप्लीट किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से कंप्लीट की। दोस्तों स्टडी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपना पहला जॉब स्टॉक ब्रोकर का किया। इसके बाद उन्होंने साल 1955 में ICICI ग्रुप को ज्वाइन किया एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर। दोस्तों ICICI ग्रुप से रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अर्ली एज में हर मिडिल क्लास इंसान का उनका खुद का एक घर हो। ऐसी सोच रखने वाले हसमुख ठाकुर दास पारेख जी ने 68 साल की उम्र में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्रुप की शुरुआत की। आज HDFC ग्रुप वर्ल्ड का 7वां प्राइवेट लेंडर बैंक है। दोस्तों फाइनेंस इंडस्ट्री में इनके महान कंट्रीब्यूशन के कारण साल 1992 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों क्या आप हसमुख ठाकुर दास पारेख जी के बारे में जानते थे? कमेंट करके बताइए।